नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम सेहत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या के बारे में, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप के बारे में। क्या आपको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर बिना किसी विशेष लक्षण के धीरे धीरे आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है? अगर इसे समय पर नियंत्रित ना किया जाए तो यह दिल की बीमारियों, स्ट्रोक और किडनी की समस्याओं जैसी गंभीर स्थितियों का कारण बन सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब आपके रक्त का दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है। रक्तचाप वह दबाव होता है जो आपके रक्त द्वारा रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर डाला जाता है। अगर यह बहुत अधिक हो जाए तो दिल और अन्य अंगों पर तनाव बढ़ सकता है और दिल की बीमारियों, स्ट्रोक और अन्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। तो आप जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या हो सकते हैं, वो जानते हैं। अत्यधिक नमक का सेवन करना, और कोई भी व्यक्ति अपने खान पान में ज़्यादा नमक ले रहा है तो उस कारण हो सकता है। मोटापा, धूम्रपान, जो व्यक्ति ज़्यादा सिगरेट पी रहा है उसमें हो सकता है। शराब का सेवन, व्यायाम की कमी, आनुवंशिकता, पारिवारिक इतिहास, और किसी व्यक्ति के फैमिली हिस्ट्री में है तो ज़्यादा चांस रहे कि उसका जनरेशन, जो अगला जनरेशन, उसको भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तनाव, बढ़ती उम्र, अधिक फैटी फूड्स का सेवन, मधुमेह, डायबिटीज जिसे कहा जाता है, अस्वास्थ्य खानपान, जो व्यक्ति खानपान सही ढंग से नहीं लेता है उसमें हो सकता है। शारीरिक गतिविधि की कमी, कोई व्यक्ति शरीर से उतना काम नहीं कर रहा है, लीजापन करता है तो उसमें ये देखा जाता है। नींद की कमी, जो व्यक्ति कम सो रहा है उसमें भी देखा गया है। किडनी की बीमारी, जिसमें किडनी का बीमारी है उसको हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसका लक्षण के बारे में कि क्या लक्षण से होगा वो देखते हैं। तो पहला होगा सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, धुंधला दिखना, जैसे साफ नहीं दिख पाएगा, सीने में दर्द हो सकता है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, नाक में खून आना, थकान महसूस होना, दिल की धड़कन तेज होना, कानों में आवाज़ आना या घबराहट हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन। पहला क्या, नॉर्मल कितना होता है, 120/80 mmHg होता है नॉर्मल BP, ठीक है। उठा हुआ कितना होगा, 120/80 रहेगा तो उसको उठा हुआ BP कहेंगे, थोड़ा सा है इंक्रीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या स्टेज वन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का स्टेज कितना होगा, 130/139 होगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होगा, 80/89 के बीच में होगा, तो वो स्टेज वन हाइपरटेंशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, स्टेज टू हाइपरटेंशन, उसमें क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर होगा वो 140/90 से अधिक होगा, तो उसे क्या कहेंगे, स्टेज टू हाइपरटेंशन कहेंगे। नेक्स्ट है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, 120/120 से ज़्यादा हो गया BP किसी का तो उसको तुरंत डॉक्टर पास ले जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका डायग्नोस्टिक इक्वेशन, बात करते हैं कि हम लोग इसको पता कैसे करेंगे कि BP इंक्रीज है या डिक्रीज। तो BP मॉनिटर करेंगे, एक डिवाइस होता है उसे BP मॉनिटर किया जाता है, इसको स्फिग्नोमीटर कहा जाता है। पेशाब और खून की जांच कर सकते हैं, ECG के द्वारा पता चल सकता है, इकोकार्डियोग्राम के द्वारा भी पता कर सकते हैं, किडनी, लीवर और कोलेस्ट्रॉल लेवल की जाँच कर भी पता किया जा सकता है। 24 घंटों का एलोमेंट्री BP मॉनिटरिंग से भी आप पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका घरेलू उपचार के बारे में। नमक का सेवन कम करें, दिन में 5 ग्राम से कम नमक का उपयोग करें, तनाव कम करें, ध्यान और योग करें, धूम्रपान और शराब छोड़ दें, पानी अधिक पिएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। अब क्या है, वजन कम करें, अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो अपना वजन कम कर सकता है। घर पर BP नियमित नापें, एक मशीन लेना है, उसे अपना डिजिटल मशीन होता है उसे अपना नापते रहना है, और किसी को BP का समस्या है तो तनाव दूर करने के लिए समय निकालें। अब हम बात करते हैं इसका मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में कि हम लोग कौन सा मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है डॉक्टर की सलाह पर ही लें। तो पहला क्या है, डायूरेटिक यूज कर सकते हैं, शरीर के अतिरिक्त नमक और पानी निकालने के लिए डायूरेटिक यूज किया जाता है। उसमें कौन सा मेडिसिन होता है, उसको फ्लूसामाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, ACE इनहिबिटर, रक्त वाहिकाओं को आराम देने के लिए ACE इनहिबिटर का यूज किया जाएगा। बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, उसमें दिल की धड़कन धीमी करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने के लिए, और ARB ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए आप ARB का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, खाने योग्य चीज,
क्या खाएं? फल और सब्जियां खाएं, ताजे फल और सब्जियां जैसे केला, सेब, पालक, ब्रोकली, गाजर आदि खाने से रक्तचाप नियंत्रित होता है, जो ब्लड प्रेशर कहते हैं। फाइबर युक्त अनाज लें, जैसे ओट्स ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं और दलिया ले सकते हैं। लो फैट डेयरी उत्पाद ले सकते हैं, जैसे स्किम्ड दूध, दही और पनीर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नट्स और बीज ले सकते हैं, बादाम, अखरोट, चिया बीज और सूरजमुखी के बीज का सेवन लाभकारी हो सकता है। मछली और चिकन ले सकते हैं, खासकर तेलीय मछली जैसे सालमन और टूना, जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैतून का तेल भी उपयोग कर सकते हैं, हेल्दी फैट्स के लिए जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ब्लड प्रेशर में क्या नहीं खाएं, तो पहला नमक नहीं खा सकते हैं। नमक अधिक सेवन उच्च रक्तचाप को बढ़ा सकता है। प्रोसेस्ड फूड और पैकेट स्नैक्स से भी दूर रहें। तला भुना भोजन से दूर रहें, जैसे समोसा, पकौड़े, डीप फ्राइड स्नैक्स से दूर रहें। प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज, बेकन और हॉट डॉग से भी दूर रहें। शराब जैसे शराब का अत्यधिक सेवन रक्तचाप को बढ़ा सकता है। मीठे पेय जैसे सोडा और पैकेट जूस, जिनमें चीनी की मात्रा अधिक होती है, उससे बचे। फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज से परहेज करें। आप क्या नियमित एक्सरसाइज करें, जैसे कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, रोजाना 30 मिनट तेज चलना है। योग और प्राणायाम कर सकते हैं, विशेषकर अनुलोम विलोम या कपालभाति कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और साइकिलिंग भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मांसपेशियों को आराम देने के लिए, वजन कम करने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।